वो भी नहीं है तो नेल कटर ले लें उल्टी साइड से, यही साइज का गोली होता है, यहाँ से कुछ नहीं करना जनाब। कि ये जो सुराख है जिसमें से नीडल गुजरती है, इसे गुजारती है ना, तो इसमें कट पड़ जाने से धागा छिल जाता है होता है, और एक साइड पे ये गहरी झरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आज सिलाई कोर्स की क्लास नंबर 2 है। आज हम मशीन के मसाइल के बारे में बात करेंगे, और मशीन को किस किस जगह पे ऑयलिंग करते हैं वो मैं आपको गाइड करूँगी, और थोड़ी बहुत जो है इसकी हम सर्विस करेंगे कि घर पे मशीन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जिनके लिए आप बार बार मैकेनिक के पास मशीन लेके जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं जी, थोड़ा सा मसला होता है और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि हमने ये भी इसमें डाला है, ये भी डाला है, और बहुत से पैसे जो हैं वो आपसे चार्ज करते हैं। तो बहुत से ऐसे मसले हैं छोटे छोटे जो हम घर पे ही हल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीन को हमने डिब्बे से बाहर निकाल लिया हुआ है। आपने जब भी मशीन की सफाई करनी है तो उसको डिब्बे से बाहर निकाल लेना है, ताकि इसका जो कचरा है, जो कपड़ों की बुर वगैरह है, वो डिब्बे में ना गिरे। तो इस तरह के कुछ ये देखें स्क्रू ड्राइवर हैं, ये टेस्टर है, थोड़ा बड़ा पेचकस है, ये वाले जो हैं ये मशीन के साथ ही मिल जाते होते हैं, और ये एक टूथब्रश है। आप कोई भी वेस्ट टूथब्रश जो है उसको फेंक के नहीं, ये मशीन की सफाई में बहुत काम आता है। इस वाले स्क्रू को खोलेंगे, क्या करना है, और इस हिस्से को इस तरह से ऊपर उठा के यहाँ से बाहर निकाल लेना है, इस तरह से। ये देखें इसके ये जो हिस्से होते हैं अंदर वाले, ये देखें ये जो मशीन के हिस्से हैं, इनको अब हम ये जो ब्रश है इसके साथ साफ़ करेंगे। यहाँ से भी अक्सर जो कपड़ों की बुर है वो बहुत फंसती है इन हिस्सों के अंदर, आपने अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लेना है। इस हिस्से को आप लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि ऑयल जो भी है यहाँ से बाहर आता है, और जब हम कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं तो कपड़ों पर अपने निशान छोड़ देता है, जो कि जाते भी नहीं हैं वॉश के बाद। ये लें, इस हिस्से की हमारी सफाई हो चुकी है। इस हिस्से को साफ़ करने के बाद ऑयलिंग जो है वो हम एंड पे करेंगे, पहले इसके जो मसाइल हैं उन पे बात कर लेते हैं। अक्सर चलते चलते मशीन जो है वो भारी हो जाती है, चाहे आपकी मशीन के साथ मोटर लगी हो या हाथ वाली मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, तो भारीपन आ जाता है और मशीन की आवाज़ भी फ़ौरन से चेंज हो जाती है। तो उसकी क्या वजह होती है, मशीन का जो शीटल होता है ना, ये वाला, इस ये वाले हिस्से को उतार के हम साइड पर रख देंगे। ये देखें जी, ये है मशीन का शीटल, ये वाला। इसमें जब कचरा फंस जाता है या धागा छोटा सा भी फंस जाता है ना, तो मशीन फ़ौरन से भारी हो जाती है। आपने क्या करना है, इसके ये दो साइड्स पे स्क्रू लगे होते हैं, इनको खोल लेना है, और इस तरह से इसको ये बाहर निकाल लेंगे। इसके ये जो स्क्रू हैं इनको आपने एक साइड पे रखते जाना है, ये ना हो के कहीं गुम हो जाएं, इनको एक साइड पे रख दें। अब ये है जी मशीन का शटल, ये देखें आप, इसके अंदर काफ़ी जो है, जब हम कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं तो डस्ट चली जाती है, या आप मेरे हाथ पे भी देख सकते हैं, ये देखें, जब इसके अंदर डस्ट चली जाती है तो मशीन हमारी जो है वो बहुत भारी होना शुरू हो जाती है। अब हम पहले इसको साफ़ करेंगे। ये देखें, इसका ये जो अंदर का हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये ऐसे आप उल्टा करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ईजीली बाहर आ जाता है, ठीक है। इसको बाहर निकालने के बाद आपने इसका ये जो पेच लगा होता है ना, इसको खोल देना है। इन चीज़ों को आप गौर से देखते जाएं, ये ना हो के बाद में आपको बंद ना करना है। ये देखें, इस तरह से इसको खोलेंगे। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो है, ये देखें, बुर लगी हुई है कपड़ों की, जिसकी वजह से मशीन जो है वो भारी हुई थी। ये इसका एक पीस निकाल लिया, ये पीस इतना है, इनको आप साइड पे करें, और इस तरह से ये देखें आपने इसको करना है साफ। ये देखें, इस तरह का पेचकस छोटा वाला आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस तरह से उसको इसके अंदर फेरेंगे, तो ये देखें ये धागे और ये बुर जो है आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर से निकलना शुरू हो गए हैं।
ये जो हिस्सा होता है ना, ये इसके अंदर चल रहा होता है। ने ये देखें, इस हिस्से ने इसके अंदर ऐसे घूमना होता है। जब ये इसमें बुर फंस जाती है, धागे फंस जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल से घूमता है, जिसकी वजह से मशीन भी खड़खड़ करने लगती है और भारी भी हो जाती है। आपने इस हिस्से को अच्छी तरह से नीट करना है। कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक दो बार इसे खोल के अच्छे से साफ़ कर लिया करें, ताकि आपकी मशीन का भारीपन जो है वो ख़त्म हो जाए और मशीन आपकी हल्की फुल्की रहे। ये साफ़ हो गया। इसको साफ़ करने के बाद ये इसके हिस्से हमने निकाले हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखें जी, इसके सारे हिस्से हमने साफ़ कर लिए हैं। अब ये जो हिस्सा हमने निकाला था, इसकी ये जो प्लेन साइड होती है ना, बिल्कुल प्लेन वाली साइड, वो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दो, ये देखें ये उभरे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, इनके अंदर इसको इस तरह से सेट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, ये इन हिस्सों को, ये इसके ऊपर फिक्स हो गए। अब ये जो चीज़ है, इसको इस तरह से लगाएंगे इसके ऊपर यूं, ये देखें, और ये स्क्रू जो हमने निकाला था इसका, उसको इस जगह पर इस तरह से बंद कर देंगे। टाइट कर दिया, ये जी शीटल हमारा हो गया बंद, इसको हमने अब साफ़ कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिन लोगों की मशीनों में मसला होता है कि वो धागा ही नहीं उठाती, सुई जो है नीचे वाला धागा ऊपर लेके नहीं आती, तो ये देखें ये जो चीज़ है, इसकी ये जो ऊपर वाली नोक होती है ना, ये वाली, ये जब भुर जाती है या चल चल के ये नोक जो है इसका, ये कोना है, ख़त्म हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि मशीन नीचे से धागा ही नहीं उठाती। ये नोक जो है ना, दरअसल जब ये चलता है ना, तो इस नोक में ही धागा फंस के तो ऊपर की तरफ आता है। आपने क्या करना है, इस तरह देखना है, अगर तो ये सुई की तरह चुभ रही हो, तेज़ हो, तो समझें कि ये ठीक है। अगर ना हो तो आपने एक सैंड पेपर लेना है, जिसको रेगमार भी कहते हैं पंजाबी में, वो ले लेना है। अगर वो भी नहीं है तो नेल कटर ले लें। ये देखें, नेल कटर के साथ जो है ना, ये हिस्सा जो होता है उसके साथ आपने क्या करना है, इसकी टिप जो है ये वाली, इसकी नोक है ना, उसको आपने इस साइड से, आपने ये देखना है जो ये साइड है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी ये ऐसे नोकीली की हुई है, यहाँ से आपने इसको जो है ना, इस हिस्से को इस तरह से थोड़ा सा रगड़ना है, ताकि ये जो नोक है वो तेज़ हो जाए इस तरह से। ये देखें, इसकी तो तेज़ है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। इस तरफ से आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उल्टी साइड से, ये हिस्सा इसका गोल ही होता है, यहाँ से कुछ नहीं करना, बस इस हिस्से पे इतना सा इसको रखना है और इस तरह से अच्छे से इसकी नोक बना लें। अगर ज़्यादा ही इसकी नोक ख़त्म हो चुकी है, तो जहाँ से नाइफ़ और कैंचियाँ वगैरह जो हैं वो तेज़ करवाते हैं, वहाँ पर इसको ले जाएँ निकाल के, और उसको कहें कि ये जी इसकी नोक जो है ना, वो थोड़ी तेज़ कर दें, इसकी धार बना दें तेज़ वाली, ये जितनी तेज़ होगी ना, उतना ही ये धागा जल्दी ऊपर की तरफ खींच लेगी। अब इसको हमने फिक्स कर देना है दोबारा इसके अंदर। ये जो साइड है, इसकी उल्टी साइड रखनी है, और इसकी ये देखें सीधी साइड उधर को हो, उल्टी साइड ऊपर, और इसकी उल्टी साइड ऐसे, और इसमें इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब इसको हम कर देते हैं साइड पे, क्योंकि हमने अभी मशीन की जो है इस हिस्से की सफाई भी करनी है। तो हमने क्या करना है कि मशीन का जो ये फुट है ना, इसको खोल देना है। हम इसकी नीडल उतार देंगे, इसको दोबारा टाइट कर दें ताकि गिर ना जाए। अब ये जो डी है, ये प्लेट लगी होती है, इसको खोल दें इस तरह से। अब ये देखें, इसमें भी काफ़ी जो है वो बुर और गंद फंसा हुआ है, इसको भी हम इस तरह से साफ़ करेंगे। और अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है, तो उसकी भी एक वजह क्या होती है जनाब, कि ये जो सुराख है जिसमें से नीडल गुजरती है, इसको आपने उठा के देखना है यहाँ पे हाथ लगा के, कि ये प्लेन है, पीछे से खुरदरा तो नहीं हुआ हुआ। अक्सर क्या होता है कि धागा जब मशीन इसमें से गुजारती है ना, तो इसमें कट पड़ जाने से धागा छिल जाता है और टूट जाता है। आपने इसको इस तरह से चेक कर लेना है कि ये खुरदरा तो नहीं है। अगर ये खुरदरा हो रहा हो, तो इसको फर्श पे रख के इस तरह से रगड़ लें, या सैंड पेपर से, या इसी तरह नेल कटर के ये बैक हिस्से से इस तरह इसको रख के इस तरह से रगड़ें और उसको प्लेन कर दें, ताकि आपका धागा जो है ना, वो छिले नहीं। ये चीज़ें आपने, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना है और ख़ुद घर पे देखना है, उठा के फ़ौरन से मशीन आपने मैकेनिक के पास नहीं ले जानी। ये उतारने के बाद अब हम इस हिस्से को साफ़ करेंगे। आप ये हिस्सा देख सकते हैं, ये देखें, सिलाई करने की वजह से इस हिस्से में जो है ना, वो फंस जाती है कपड़े की बुर, ये देखें,
आपने इस ब्रश की मदद से इस हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ करना है। मशीन अक्सर जो है ना दाना देने लगती है या टाप करने लगती है, वो इस वजह से भी होता है कि ये जो दाने हैं ना ये बुर फंसने की वजह से फिल हो जाते हैं। इनके फिल होने की वजह से ना हमारी मशीन का टांका ख़राब हो जाता है, मशीन टांका सही तरह से उठा ही नहीं पाती, उसकी सिलाई ही नहीं सही आती। आपने इनको अच्छी तरह से इस तरह से ब्रश के साथ जो है वो साफ़ कर लेना है, ये देखें। और इस तरह का कोई पेचकस जो छोटा वाला है ना उसको इस हिस्से में यूँ इस तरह से करके सारी बुर और जो भी फंसा हुआ मैल कुचैल वो सारी निकाल देनी है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, खासकर उन बहनों के लिए जिन को ये मसला होता है कि उनकी कोई मशीन उठा के लेके जाने वाला नहीं होता, कोई ठीक करवा के लाने वाला नहीं होता, तो वो घर पे ही जो है ना अपना ये काम कर सकें। अब ये देखें कि इसके अंदर से कितना कचरा जो है ये देखें गिरा है, ठीक है। आपने इस तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। इसको हमने फिक्स कैसे करना है, ये जो हिस्सा है इसको इस तरफ को ले जाना है और ये जो आपका होता है गज ये पूरा ऊपर चला जाए और ये हिस्सा जो है इस तरह से आ जाएगा। अब ये शटल को हम फिक्स करेंगे, ये हिस्सा इस तरफ होगा और ये हिस्सा जो है इस तरह इसके ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर जो है इस तरह से फिट होते हैं। ये देखें इस तरह करने से फौरन शटल अपनी जगह पे चला जाएगा। और अब आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पे अब हम इसका स्क्रू बंद कर सकते हैं। और ऐसे करके आपने देख लेना है कि ये घूम सही रहा है, ये देखें बिल्कुल ठीक घूम रहा है ये देखें। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर हम ऑयल के एक दो ड्रॉप्स डाल देंगे, ठीक है, और मशीन को पीछे से इस तरह से घुमाएंगे ताकि ऑयल जो है वो उसके अंदर अच्छे से चला जाए। यहाँ पे आपने ऑयलिंग नहीं करनी, अगर यहाँ आप ऑयल लगाएंगे तो कपड़े की जो बुर है वो बहुत जल्दी इसमें फंसेगी और मशीन भारी हो जाएगी। अब इन हिस्सों की बारी आती है तो इनके भी हम यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे। ये जो पुर्जा है पहले इसमें पीछे से मशीन को घुमा के इसको यहाँ पे नीचे ले आएँ और इसमें ऑयल डालें, इसके इस हिस्से में ऑयल डालेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे डालेंगे, ये देखें यहाँ पे इसी देखें ये हिस्सा है ना ये वाला ये जो घूम रहा है इसके अंदर ऑयल का एक दो ड्रॉप डालेंगे। अब ये जो चीज़ है इसके ऑयलिंग करने के लिए यहाँ पर ये देखें सुराख बना होता है इस हिस्से पर, यहाँ पे ऑयल डालेंगे तो ऑयल जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। ये देखें कुछ लोग इस हिस्से पे ऑयल दे देते हैं, इस हिस्से पे मैं ऑयल नहीं डालती क्योंकि मुझे लगता है जब हम यहाँ पे ऑयलिंग करते हैं ना तो सारा ऑयल जो है वो यहाँ आता रहता है और कपड़े को लगता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ आपने ऑयल जो है वो नहीं डालना, सिर्फ एक ड्रॉप जो है आपने इसमें डाल देना है इस हिस्से में, सिर्फ एक ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें इस तरह से अगर आपकी ये चीज़ ख़राब हो गई हो, इसके ये जो दंदाने होते हैं ये चीज़ ख़राब हो गई हो तो इसके लिए भी आप इसको घर पे चेंज कर सकते हैं। ये दो स्क्रू ओपन करें और इस चीज़ को आप इसी साइज़ का लेके आए मार्केट से और घर पे ही चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी मशीन धागा बार बार तोड़ रही होती है ना, उसकी दो तीन वजूहत होती हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दी है कि इसके नीचे कट ना बने हो, दूसरी होती है ये देखें ये जो चल रहा है ना इसके इस हिस्से के अंदर ये इसका जो ये सुराख है मैं नीचे करके दिखाती हूँ, इसके सुराख के अंदर धागा चल चल के भी कट पड़ जाते हैं, यहाँ से धागा छिल के आना शुरू हो जाता है तब भी धागा टूटता है। और एक और वजह होती है कि ये आपका जो फुट है नीचे से ख़राब हो चुका हो, ये जब बिल्कुल यहाँ से ख़राब हो जाता है उसमें लाइनें पड़ जाती हैं तो उस वजह से भी आपका मशीन धागा तोड़ने लगती है या फिर धागा इकट्ठा भी करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो गहरी हो जाती हैं लाइनें इसके ऊपर फुट चलने की वजह से, तो वो फिर सही तौर पे कपड़े को खींच नहीं पाती हैं, तो उस वजह से भी जो है ना आपकी मशीन की चाल ख़राब होती है। आपने ये चीज़ें जो है वो चेक करते रहना है कि कहीं मशीन का फुट जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, फिर उसको आप घर पर इस तरह से ला के तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के शेयर करूं, ये देखें बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी की मशीन का ये जो फुट होता है ना उसमें सुई लगती है,
वो ये जो दरमियान का सुराख है ना, ये फुट के बिल्कुल दरमियान में नहीं आ रहा होता, यहाँ पे सुई टच करती है, सुई टूट जाती है और फुट या थोड़ा सा इधर होने की वजह से या इसकी ये चीज़ हिलने की वजह से ये जो होती है, हम सिलाई लगाते हैं तो बार बार मशीन जो है वो अपनी लाइन से नीचे उतरती है, और या आप लेस वगैरह लगा रहे हो तो मशीन का फुट जो है ना बार बार नीचे की तरफ उतरता है। तो उसका क्या रीज़न होता है, आपने ये जो इसका पेच लगा हुआ है ना, इसको आपने थोड़ा सा ढीला करना है, इस तरह से थोड़ा सा ढीला करके, तो ये देखें अब आप इसको ये देखें जिस तरफ मर्जी घुमा सकते हैं। इसकी पोजीशन जो है आपने सेट कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह करनी है कि ये जो सुराख है ना ये फुट के बिल्कुल दरमियान में है। इसकी ऐसे पोजीशन सेट करने के बाद आपने इसको दोबारा से टाइट कर लेना है। ये देखें आपने सुई की टिप चेक करनी है कि इसकी टिप बिल्कुल ठीक है, बुरी तो नहीं है, इस तरह से फिंगर लगा के देख रहे हैं। और सुई के ना एक साइड पर ये देखें, यहाँ से आपको टेढ़ा करके दिखाती हूँ, ये छोटा वाला इस तरह से तिरछा बना होता है और एक साइड पे ये गहरी झरी होती है। जिस सुई की ये झरी गहरी होती है ना, आपने वो सुई यूज़ करनी है क्योंकि उसमें धागा बहुत अच्छा चलता है और वो सुइयाँ अच्छी होती हैं, ठीक है। और इसकी टिप भी आपने देखनी है कि नुकीली है। अब सुई को जब हमने लगाना है तो इसका ये जो प्लेन हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये हमने रखना है इसके अंदर, और ये जो गोल हिस्सा होता है ना ये बाहर साइड आएगा और ये प्लेन हिस्सा जो है वो इसके अंदर जाएगा। सुई को बिल्कुल ऊपर करके लगाना है आपने। अब आपने यूं करके देख लेना है कि सुई हमारी ठीक नीचे की तरफ जा रही है, पाँव के साथ टच तो नहीं कर रही है। अच्छी तरह से अंदर से भी साफ कर लेना है और इसकी ये जो प्लेटें हैं उनको खोल लेना है, इस तरह से उनके अंदर भी सारा जो गंध है वो निकाल देना है। अक्सर क्या होता है, इन प्लेटों में भी कट पड़ने की वजह से आपका धागा छिलने लगता है, मशीन जो है वो दाना देने लगती है, या अक्सर सिलाई के दौरान जब मशीन दाना देने लगे ना, तो आपने ये नहीं परेशान होना कि मशीन ख़राब हो गई है। इन प्लेटों को इस तरह से खींचें, इसके अंदर हल्की सी फूंक मारें या इसको इस तरह से साफ़ करें, जो हल्की सी बुर फंसी होगी वो निकल जाएगी, तो मशीन दाना देना बिल्कुल बंद कर देगी। अब इस हिस्से की हमने सफाई कर ली, यहाँ पे ऑयलिंग भी कर दी है, अब आती है इस हिस्से की बारी। इसको भी आप खोल के साफ़ कर लिया करें तो बेहतर है, इसके अंदर भी बहुत गंद जमा हुआ होता है। इस पेच को आप निकाल लेंगे इस तरह से बाहर खोलने के बाद, और यहाँ पे दो छोटे वाले स्क्रू लगे होते हैं उनको खोल लें। ये देखिए इसके स्क्रू खोलने के बाद इसको हम इस तरह से टेढ़ा करके ऐसे निकाल लेंगे, और इसका ये हिस्सा भी जो है इस तरह से निकाल लेंगे। आप अंदर देखें इसके कितना, ये देखें कचरा जो है वो फंसा हुआ है, आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको दिखाऊंगी। इसको आपने घुमाना है व्हील को और देखना है कि इसके अंदर जो जो पुर्जा एक दूसरे के साथ टच कर रहा है, घूम रहा है, वहाँ पे आपने इसके जो है ऑयलिंग कर देनी है। ये देखें अब इसको बंद कर देंगे। देखिए इसको भी हमने बंद कर दिया। अब मशीन को घुमा के इसकी इस साइड से भी सफाई करेंगे। इसका ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे। ये देखें कुछ लोग तो इसको खोलते ही नहीं हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं क्यों है। इसको खोल के भी साफ़ करें, क्योंकि ये जो इसके अंदर पुर्जे चल रहे होते हैं ना, जब ये गंद उनके अंदर जाता है तो मशीन भारी हो जाती है। ये यहाँ से अब आप देखें, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसको घुमाऊँगी। ये देखें यहाँ पे भी हम इसके जो है वो ऑयल देंगे। ये हिस्से बने होते हैं, यहाँ पे भी आप ऑयल का एक एक ड्रॉप जो है, एक एक दो दो ड्रॉप डाल दें। ये देखें यहाँ पे भी। अब हम मशीन को थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे। ये इसके नीचे जितने हिस्से आपने इसको चला के देखने, आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, जितने पुर्जे चल रहे होते हैं, इन सब में आपने ऑयलिंग करनी। ये देखें अब इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये देखें ऑयलिंग हो चुकी है इसकी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, मशीन की क्लीनिंग हमने कर ली, इसको ऑयलिंग कर ली। आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस किस हिस्से पे ऑयलिंग करनी है। तो अगर फिर भी किसी बात की कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। कोशिश करूँगी कि शॉर्ट वीडियो में
उसकी वीडियो बना के आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाए। मशीन की चाल जो ख़राब होती है उसकी भी मैंने आपको रीज़न बता दी है, धागा क्यों टूटता है, सुई चेक करनी है, फुट उल्टा के चेक करना है, इस डी का सुराख चेक कर लेना है आपने, और यहाँ पर देखना है कि कट तो नहीं पड़ा हुआ। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर आपकी मशीन का धागा कभी नहीं टूटेगा। और अगर दाना दे रही होती है मशीन तो आपने इस हिस्से को चेक करना है कि ये हिस्सा ज़्यादा टाइट तो नहीं है, और डब्बी में फिरकी का धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं आ रहा ये जब आप इसमें धागा डालते हैं, तो ये भी आपने चेक करना है इस तरह से कि धागा बहुत टाइट तो नहीं है, थोड़ा लूज़ ही हो, ज़्यादा लूज़ भी ना हो। और अगर लूज़ ज़्यादा हो तो इस स्क्रू को आपने थोड़ा सा टाइट कर लेना है। अगर आपके पास छोटा वाला पेज कस अवेलेबल ना हो तो ये बॉबिन लेनी है और इसके साथ इसको जो है ना ये देखें थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेना है, ठीक है, ये चीज़ आपने कर लेनी है। और इसका भी धागा आपने फुली टाइट नहीं रखना, फिर भी जो है मशीन दाना देने लगती है, इसमें कचरा फंस जाए या इसकी ये जो प्लेट होती है इसको भी यूँ खोल के आपने देखना है इसमें कचरा तो नहीं फंसा हुआ, फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो हल हो जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।